तो आइए दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड की बेस्ट जर्सी काउ की मिल्किंग। मैंने जब ये वीडियो आपके साथ लगभग 6 महीने पहले शेयर की थी तो पूरे संसार से लोगों के कमेंट आए, कुछ अच्छे थे, कुछ लोगों ने कहा कि ये काउ नॉर्मल नहीं है, ये काउ के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो उस समय ये काउ ब्याने वाली थी, ये इस बात को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। हमने ये वीडियो PDFA कंपटीशन जगराओं के दौरान शूट किया था, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस काउ के घर जाके इसकी मिल्किंग को शूट किया जाए। अभी ये काउ 6 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है, अभी इसकी आप लेटेस्ट वीडियो को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो इसका केयर टेकर है, जिसको कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बताया गया कि इस काउ का और इसका बहुत ही खास रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट जर्सी काउ की हैंड मिल्किंग। इसके ओनर का नाम है सरदार जसवंत सिंह जी और ये पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। मैंने ये मिल्किंग अनकट शूट की है, लेकिन चूंकि मिल्किंग लंबी हो जाती है इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड प्ले किया गया है। वीडियो के लास्ट में आप मिल्क की नपाई भी देख सकते हैं। इस विलेज में वेइंग स्केल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये लोग डेयरी को जो मिल्क सेल करते हैं तो स्केल के द्वारा अपने टंकी में दूध डाल के नापते हैं, तो हमने उसी मेथड से इसकी नपाई भी की है। लगभग एक टाइम में इसने 13 किलो दूध दिया है, जिसे कि आप वीडियो के लास्ट में देख सकेंगे। मैं यहाँ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि यूजुअली लोगों को लगता है कि जर्सी काउ को आप घर में नहीं पाल सकते और उसकी मिल्किंग हाथों से नहीं की जा सकती है, तो वो डाउट भी इन्होंने इस वीडियो के द्वारा दूर कर दिया है। ये मशीन मिल्किंग भी कराती है और इन्होंने इसकी हैंड मिल्किंग भी हमारे सामने करके ही दिखाई है। काफी शांत स्वभाव की अच्छी गाय है ये। ये काउ सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, इस काउ को ये किसी भी कीमत पे सेल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बट अगर आप इनके डेयरी फार्म से कुछ दूसरे एनिमल या काफ्स को लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी नस्ल के पशु हैं इनके पास। तो दोस्तों, हम जो मिल्किंग के वीडियोस विलेजेस में जाके शूट करते हैं ये सिर्फ एक इंडिकेटिव वीडियोस हैं। एक्चुअल मिल्किंग तो पंजाब में जो कॉम्पिटिशन्स हैं या CIRB जो कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ पर ही जानवरों की हो पाती है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि विलेजेस में जाके मिल्किंग की जाए। उससे एक तो फार्मर्स को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा क्या होता है कि देश के डिस्टेंस पार्ट्स में पशुओं की पहुंच हो जाती है। लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि इतने अच्छे पशु भी इतने इजीली और इतने कम दामों में हमारे कंट्री में मिल रहे हैं। तो इन वीडियोस के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के विलेजेस के किसान हैं उनको भी दूर दूर तक पूरे देश में पहुँचाया जा सके। इन वीडियोज़ को देखने के बाद यदि आपका कोई फीडबैक है तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। हमने कुछ मंडी के पशुओं का भी हाल ही में मिल्किंग किया है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस काउ की मिल्किंग लगभग पूरी हो चुकी है, अब हम इसकी नपाई की ओर इसको लेके जाएंगे। नपाई करने से पहले हमने कुछ देर दूध को ठंडा होने दिया, बिकॉज थोड़ा सा झाग रहता है। यहाँ पे हम जो है नपाई लीटर में कर रहे हैं। जब कहीं हमें वेइंग स्केल मिल जाता है तो दूध को थोड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ये वीडियो फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी किया है क्योंकि हमने काफ़ी देर तक इसको रोक के रखा ताकि झाग का असर कम हो जाए। और फिर इसको हमने जो डेरीज का इनके यहाँ पे मेथड चलता है स्केल के द्वारा नापने वाला, उससे इसका मेजरमेंट किया है, जो कि अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लगभग 13 लीटर दूध इस काउ ने इस समय की नपाई में दिया है। 6 महीने इस काउ को लगभग ब्याए हुए हो चुके हैं।